बढ़ा समाज ने चान्हो चौक में बंधु तिर्की का फूंका पुतला। घटना के विरोध में न्याय की मांग को लेकर किया आवाज बुलंद। चान्हो प्रखंड मुख्यालय के चान्हो चौक के पास गुरुवार को सुनील उरांव के नेतृत्व में पढ़ा समाज व सरना आदिवासी समाज के समाज सेवियों ने झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का किया पुतला दहन। चान्हो चौक में पुतला दहन से पूर्व जुलूस निकाला गया। जुलूस में बंधु तिर्की के खिलाफ पढ़ा समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी किया, साथ ही बंधु तिर्की को पढ़ा समाज का विरोधी बताया। मौके पर समाज सेवी सुनील उरांव ने बताया कि 10 जून को बंधु तिर्की द्वारा अपने आवास में बुलाकर आदिवासी समाज के लड़कों की बुरी तरह पिटाई की गई थी, जिसके विरोध में आक्रोशित पढ़ा समाज के बैनर तले मांडर विधानसभा के सभी प्रखंडों में बंधु तिर्की का पुतला दहन किया जा रहा है। शुरुआत बेड़ो प्रखंड से हुई है। इसी घटना के विरोध में चान्हो में भी सरना समाज के लोग हजारों की संख्या में जुटे, साथ ही पढ़ा समाज से न्याय की मांग किए। वहीं इस संदर्भ में बंधु तिर्की ने कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। सोना न्यूज चान्हो से राज रोय की रिपोर्ट। आज हम लोग पूरे मांडर विधानसभा के जितने भी प्रखंड है सभी में हम लोग बंधु तिर्की का पुतला दहन का निर्णय किए हैं, क्योंकि मांडर विधानसभा में बंधु तिर्की द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये हमारे सरना समाज के लिए बहुत ही घातक है। आज सरना समाज को बेरहमी से अपने आवास में बुला करके मारपीट कर रहा है, जबकि हम आदिवासी आज पढ़ लिख चुके हैं और अपना से जानते हैं कि कैसे योजना को लानना है, कैसे गांव तक करना है। इसलिए हम लोग सरना मसना का कार्य को हम लोग अपने से करते हैं, लेकिन बंधु तिर्की को इस मामले से लेकर के आदिवासियों को चिढ़ है। वो चाहते हैं कि आदिवासी दबे रहे, कुचले रहे, आदिवासी हमसे आगे ना बढ़े, ऐसा सोचते हैं बंधु तिर्की, इसीलिए वो उनको चिढ़ है। इसीलिए हमारे बताइए और विधायक आवास में आपके साथ क्या क्या मामला हुआ? मेरा नाम हुआ महादेव राम, चोरिया से हैं। हम लोगों को विधायक बंधु तिर्की 11:30 बजे आस पास बुलाए आवास कांचन है, और जैसे आवास गए मारपीट करना चालू हो गया। लाल जूता कौन मारपीट किया? बंधु तिर्की अपने से। जी अपने से। तुम लोग समाज के दलाल हो, समाज को बेचने वाले हो, गोली मार देंगे, क्षेत्र में नजर नहीं आओगे, दुआ लेके गांव से बुलवा देंगे, इस टाइप का पूरा एकदम बकना चाहिए। आखिर क्यों आरोप है कि आप? आरोप है इसी है कि हम लोग थोड़ा सा विभाग से, कल्याण विभाग से कुछ योजना अपने आधार से हम लोग काम कराना चाह रहे, कर रहे हैं, तो उनको फिर है कि मेरे अंदर से मेरा पूछे बगैर आप नहीं कर सकते, नहीं किसी। इस मामले में हमने भी उनसे पूछा तो उनका कहना था कि इस मामले में जनता का शिकायत मिला और लोग दलाली कर रहे थे, पैसे के अवैध निकासी बिना काम का कराए, जिसके बाद जो है हम उन लोगों को बुलाकर डांट फटकार किए। आप क्या कहिएगा? बात विचार करना तो उचित है, मारपीट करना कहाँ उचित है? कौन सा राइट है? कोई भी मामला है, कितनी भी बड़ा मामला है, थाना पुलिस का मामला माने सोशल नहीं ना है, बैठ के आप बोल सकते हैं उस बात को, मारपीट कीजिएगा, लाठी डंडा कीजिएगा, इतना बड़ा औकात हो गया आपका, तो ये गलत है। हम पढ़ा को आवेदन दिए हैं, पढ़ा का आवेदन दिया, मेरे साथ इस तरह का घटना है, पढ़ा उस पर एक्शन लेगा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पन्ना डेंगला, झारखंड प्रदेश, जो भी जैसा करना हो पढ़ा दिन हुआ है, उसको हम आवेदन दिए हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा घटना है।